हे माय बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। हाय दी, आई होप यू आर फाइन। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन दैट दिस इज ट्रू दैट इन 7 मार्च 2009 ए केपॉप आर्टिस्ट नेम जोंग जायुन अटेम्प्ट सुसाइड एंड सी आल्सो राइट ए लेटर वेयर देयर वाज अ डार्क थिंग्स अबाउट केपॉप एंड सी आल्सो गेट अ फोर्थ बाय द कंपनी वेयर शी डेब्यूट। प्लीज आंसर मी बराहे, आई पर्पल यू टू सर हार्ट। एक्चुअली हमें इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी की चीज़ों पर बातें करना मना है, ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है एक्चुअली। इसलिए मैं फ़ोटो का यूज़ करूँगी और शॉर्ट में बताऊँगी, बहुत शॉर्ट। जंग जा यून एक साउथ कोरियन ड्रामा एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉयज़ ओवर फ्लावर में काम किया था। वो द कंटेस्टेंट कंपनी में काम करती थी। मार्च 2009 में उन्होंने खुद की जान ले ली। लास्ट टाइम उन्होंने अपनी बड़ी बहन को कॉल करके बताया कि वो बहुत डिप्रेशन में है और सब चीज़ों से बहुत निराश हो चुकी है। जंग जा यून ने अपनी डेथ से पहले एक 7 पेज का लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 31 हाई प्रोफाइल मतलब बहुत बड़े लोगों के बारे में लिखा था कि ये लोग मेरे साथ और कंपनी की बाकी एक्ट्रेस के साथ गलत बिहेव करते हैं और उन्हें फिजिकली अब्यूज़ करते हैं। लेकिन साउथ कोरियन पुलिस ने उस वक्त ये कहकर बात टाल दी कि उन्हें नहीं लगता कि ये लेटर जंग जो यौन ने लिखा है। फिर एक साल बाद थोड़ी और जाँच के बाद ये पता चला कि यौन का मैनेजर यानी उनका एजेंट जो उसे काम दिलाता था उसे रोज़ मारता था और कंपनी का CEO यौन के साथ गलत हरकत करता था। एजेंट को यानी मैनेजर को तो 1 साल की सज़ा हुई, पर CEO उनको भी पहले 1 साल की सज़ा हुई लेकिन बाद में वो छूट गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रॉपर सबूत नहीं मिला। फिर 8 साल बाद ये केस फिर से रीओपन हुआ और उसी कंपनी के यौन की दोस्त ने जवाब दिया कि उन्होंने CEO को यौन के साथ ज़बरदस्ती करते हुए देखा था। CEO ने बर्थडे पार्टी रखी थी जहाँ उन्होंने सभी एक्ट्रेस को ज़बरदस्ती बुलाया था। उसी पार्टी में CEO और कई बड़े नामी लोगों ने यौन के साथ इसी कंपनी के 2 और लोगों ने भी खुद की जान ले ली थी। एनीवे ये केस अब भी चल रहा है क्योंकि यहाँ 2 बड़े सवाल हैं। एक तो अभी तक ये नहीं पता कि ये लेटर 7 पेजों का जो लेटर है वो सच में यौन ने लिखा है या नहीं, ये फेक है या रियल। दूसरा बड़ा सवाल, उनकी दोस्त ने 8-9 साल के बाद अब जाके ये क्यों बोला कि CEO और कुछ बड़े लोगों ने यौन के साथ ज़बरदस्ती की, इतने सालों से वो चुप क्यों थी। इसलिए ये केस अब तक ओपन है। सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का यही हाल है, चाहे वो के पॉप हो, वेस्टर्न हो या बॉलीवुड हो। एनीवे नेक्स्ट दी, प्लीज़ बताओ ना आयु के शो पर JK को क्यों नहीं बुलाया। आयु की शो पर J-Hope Suga VI पर JK नहीं आया। JK आयु को उनके आइडल मानते हैं, प्लीज़ दी बताएं। मैं दूसरी बार ही क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज़ दी बताएं, मैं आपके लिए वेट करूँगी। मेरा वेट करोगी? मैं बोल के गई थी कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, क्या तुमने देखा नहीं था? एनीवे JK आयु के शो पर जाते तो अभी तक आर्मी हंगामा कर देती। मजाक था, इसका कोई रीज़न नहीं है। जिमिन और आरम भी नहीं गए थे आयु के शो में। इस तरह के शो में कुछ आइडल अपनी प्रमोशन के लिए जाते हैं और कुछ सिर्फ इसलिए चले आते हैं कि हाँ भाई हम भी हैं इंडस्ट्री में, ताकि वो लोगों के साथ जुड़े रह सके। इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यू शो भरे पड़े हैं। मर्जी है आर्टिस्ट की, जहाँ मन किया गए, जहाँ मन किया नहीं गए। लाइक KBC और MBC, इनके गायों में JK जिमिन वी गए पर RM Suga J-Hope जी नहीं गए, उन्होंने इनके आगे में परफॉर्मेंस नहीं किया। मन नहीं किया होगा या कहीं और बिजी होंगे। ये कौन से शो में कौन नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये कोई सोचने वाली बातें थोड़ी होती है सुटाट। छोड़ो, ज़्यादा मत सोचो। जैसा आयु के शो में RM जिमिन जीन नहीं गए, वैसे ही JK भी नहीं गए, बस। नेक्स्ट दी, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने यूट्यूब पर ये न्यूज़ बहुत बार सुनी है कि जंगकुक पहले एक होटल में काम करते थे और वी ने उन्हें एक बार गाते हुए देख लिया था। जी प्लीज़ आंसर मी, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। लगता है बहुत मेहनत की है लिखने में, है ना? थैंक यू सो मच। JK होटल में काम नहीं करते थे और मैंने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो? JK की फैमिली रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है पर बहुत गरीब भी नहीं है। JK को कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी। Suga के अलावा किसी को पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जिनकी फैमिली सबसे अमीर है।
आरएम की भी ठीक ठाक है। जिमिन जे के वी भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पर उन्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जेहोप के पापा उनके खिलाफ थे, पर उनकी मदर वो जॉब करती थी और वही पैसा भेजा करती थी। और जेहोप बैक डांसर भी थे, वैसे बैक डांसर भी एक तरह का काम ही हुआ। शुगा ने 2-3 पार्ट टाइम जॉब की थी, क्योंकि उन्होंने घर छोड़ा था इसलिए घर वाले पैसे नहीं देते थे, ना ही उनके पास थे। तो जेके ने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं की, सिर्फ शुगा ने की। वैसे ही कहानी मज़ेदार है। जेके होटल में काम करते थे, वी ने उन्हें गाते हुए सुना और वो जेके को कंपनी में ले आए। सुनने में मज़ेदार है, पर ये सिर्फ स्टोरी है। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।